This headline segment is brought to you by Gauhar Group of Companies. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अथर शेख, आप देख रहे हैं फाइन टीवी हेडलाइंस। डीजी नैब सिंध मोहम्मद अल्ताफ ने कहा है कि जामियात में माली बेजाबतगी दूर करके माली मामलात बेहतर बनाएं। ये अच्छी बात नहीं कि हम बदउनवानी के मामलात की तफ्तीश के लिए जामियात का रुख करें। डीजी नैब का जामियात के वाइस चांसलर के सेमिनार से खिताब। कस्टम इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन कराची ने 25 करोड़ से ज्यादा मालियात के 45 किलोग्राम सोने की स्मगलिंग बेनकाब कर दी। मुलजिमान के खिलाफ FIR दर्ज। अनरजिस्टर्ड गाड़ियां चलाने वाले अफराद को ट्रैफिक पुलिस ने 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने की हिदायत जारी कर दी। गाड़ी खरीदारी के 30 दिनों बाद रजिस्ट्रेशन न करवाने पर मालिक के खिलाफ दफा 32 मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 के तहत कार्रवाई की जाएगी। FPCCI की कायमा कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद हनीफ गौर ने कहा है कि कराची से हुकूमत को सबसे ज्यादा टैक्स आमदनी देने में बिल्डर्स का बहुत अहम किरदार है, ताहम हुकूमत इस सनत को कुचलने में कोशा है। आबाद के दोहराने से खिताब। शिया मिसिंग पर्सन कमेटी का जुम्मे के दिन शाहरा फैसल पे गवर्नर हाउस मार्च का ऐलान। अल्लामा हसन जफर नकवी कहते हैं कि एहतजाजन गिरफ्तारियों और अलामती भूख हड़ताल के बावजूद हुकूमत ने नोटिस नहीं लिया। रेंजर्स और पुलिस की कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई, मुतअद्दिद अफराद ज़ेरे हिरासत, मुलजिमान से असलहा व मंशियात बरामद। रीजेंट प्लाजा के अकब से गुजरने वाली पानी की टूटी हुई पाइपलाइन की मरम्मत कई माह बाद भी ना की जा सकी। बजरटा लाइन डी एरिया के मकीनों को शदीद परेशानी का सामना। तनख्वाह की अदम फरहमी पर अब्बासी शहीद अस्पताल के अमले का बायकॉट। OPDs बंद, मरीज बगैर इलाज के वापस, मुलाजमीन का एहतजाज जारी। ये थी फाइन टीवी हेडलाइंस, देखते रहिए फाइन टीवी।